हर साल 15 अक्टूबर को विश्व हैंड वॉश डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। गोरखपुर में इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी और सामाजिक संगठनों की ओर से एक बड़ा अभियान मंगलवार को चंपा देवी पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने के साथ किया गया। इस अवसर पर समारोह में शामिल गणमान्य लोग को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्डेड स्वच्छता अभियान का वीडियो दिखाया गया। विश्व हैंडवाश डे एवं विश्व छात्र दिवस पर आयोजित अभियान में शहर के 50 स्कूलों के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनको सही तरीके से हैंडवाश करना सिखाया गया और इसकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियों से भी उनको जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों को सही तरह से हाथ धोने के तरीके बताए गए, जिसको डेमोंस्ट्रेशन कर बच्चों को बताया गया। इस दौरान स्वच्छता सैनिक बनने का संकल्प भी दिलवाया गया। इस मौके पर नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, खजनी के विधायक संत प्रसाद, सैजनवा के विधायक शीतल पांडे सहित जिले के तमाम विद्यालयों से आए अध्यापकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री एवं आयोजक इंजीनियर PK मल ने कहा, मैं निवेदन करता हूँ विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के लिए हमारे सभी आदरणीय अतिथि स्वजन मित्रजन हमारे कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। एक परंपरा भी है, एक संकेत भी है, एक दिशाबोध भी है, जिसमें हम प्रज्वलित दीप की पूजा के साथ दमखाते हैं। हमारे बीच प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर नगर क्षेत्र गोरखपुर से 50 बच्चे के साथ और मैं आप सबको अद्भुत संयोग है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान माननीय मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है, पूज्य महाराज जी द्वारा प्रदेश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। ऐसे में आज विश्व हैंड वॉश दिवस है और साथ में हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो जन्मदिन में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो छात्र और छात्र के साथ जुड़ी हुई स्वच्छता ऐसे अद्भुत संयोग के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित APJ साहब के प्रतिनिधि के रूप में ही आज के डेट में हम मान के चलते हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय अतुल कृष्ण मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इस राधा मोहन दास अग्रवाल जी नगर के महापौर सम्मानित श्री सीताराम जायसवाल जी में उन छात्रों को हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे अतिथिगण इस व्यवस्था में लगे हुए हमारे कार्यकर्तागण और इस स्वच्छता के संदेश को भारत से निकाल कर पूरे विश्व में मोदी जी के संदेश को फैलाने वाले हमारे मीडिया के सम्मानित बंधुओं, जैसा मैंने कहा तो संयोग है, बस 2 मिनट में भी बात को प्रस्तावना के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 2500 से ऊपर बच्चे 5 साल के कम के ऊपर के बच्चे डायरिया के कारण से पेट की खराबी के कारण से मौत के शिकार हो जाते हैं और इससे कई गुना ज्यादा बच्चे मानसिक रूप से कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में शुरुआती दौर में उनकी कमी हो जाती, इस क्षेत्र का बौद्धिक विकास रुक जाता है। हमारे ये छात्र आज यह प्रण लेंगे कि हम स्वच्छता के सैनिक बनकर अपने उन छोटे छोटे बच्चों यहाँ तक कि माताएं बहनों को भी यह सिखाएंगे कि हम स्वच्छता के सैनिक हैं और गंदगी से लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पहले स्वच्छता का कड़ी हाथ धुलने का तरीका सही तरीके से जान के हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो स्वच्छ होकर स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे और इस समृद्ध भारत के निर्माण की पहली कड़ी अंतर्राष्ट्रीय
हैंड वॉश डे के दिन हाथ को अच्छी तरह से कैसे धुलें, इसका ज्ञान प्राप्त करके अभी कार्यक्रम के बीच में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों द्वारा ये हम लोग छात्र ही छात्रों को ट्रेनिंग देंगे और छात्र ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आसपास के पड़ोस के अपने विद्यालय के अन्य छात्रों को ट्रेन करके, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 99,000 से अधिक राजस्व गाँव थे, उन गाँव में स्वच्छता एक सपना था। अधिकतर गांवों में जब जाते थे तो गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपकी प्रेरणा से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 14 से मार्च 17 तक लगभग 25 लाख शौचालय, उस समय प्रदेश के अंदर जो कवरेज था वो मात्र 23% तक था। मार्च 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार आई, आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। 56,000 से अधिक स्वेच्छाग्रही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात करने के अलावा प्रदेश के अंदर जो पहले से ही सफाई कर्मचारी थे इन सबको इसके लिए तैयार किया। 2,20,000 से अधिक राजमिस्त्रियों का विशेष प्रशिक्षण इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करवाया और विगत 17 माह के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 इज्जत घरों का निर्माण करने में सफल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तमाम वेक्टर जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस था, डेंगू था, मलेरिया था, कालाजार था, चिकनगुनिया था, तो सदैव आसमान छोटे थे। पिछले 40 वर्षों से 1977-78 से लेकर के 2017 तक कोई महीना ऐसा नहीं था कि जब गोरखपुर के ब्याडी मेडिकल कॉलेज के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा पेशेंट इंसेफ्लाइटिस या वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाते रहे हों। और विगत वर्ष से जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, हर गांव में स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए, उन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया, इज्जत घरों का निर्माण किया गया, लोगों के इस जन आंदोलन के साथ जुड़ने के अलावा साफ सफाई के इस आंदोलन को एक नया रूप देने का परिणाम सामने आया, तो मुझे इस बात को लेकर के बड़ी रोष के साथ मैं सम्मान के साथ आपके सामने बताना चाहता हूं कि इस वर्ष इंसेफ्लाइटिस और वेक्टर बॉर्न डिजीज के जो आंकड़े हैं वो 500 से घट करके 80 में आए हैं और मौत के जो आंकड़े पिछले 40 वर्षों में 100 की संख्या पार करते थे, इस बार मात्र 6 मौत के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वच्छता ये हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे संबंध जुड़ा हुआ है। फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। 2, हाथ में छिपे कीटाणु आसानी से मुंह में जा सकते हैं। अब साबुन लगाओ, अंगूठे पर और ये उंगलियों पर नाखून कलाई। समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। हैंडवॉश करने का सही तरीका सीखकर हम अपने अपने विद्यालयों में जाएं और उस विद्यालय के छात्रों के अन्य छोटे छोटे बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, उंगलियों के बीच में तो भोजन के माध्यम से जाता है या माताएं बहने आटा गूंथती हैं या खाना बनाती है तो हाथ की गंदगी खाने में जाता है, फिर खाने के द्वारा मुंह में जाता है। तो हम अपने बच्चों से आपको एक स्वच्छता सैनिक का डेमो दिलवा रहे हैं, बच्चे डेमो करेंगे फिर आप सीख के आगे उसको पढ़ाएंगे। उंगलियों के बीच में अब हाथ को पलट के उंगलियों के आपके बैक साइड में स्वच्छ अंगूठा और हाथ के बीच की सफाई साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। अब उंगलियों के नाखूनों की सफाई, नाखून में नाखून और फ्लेश के बीच में नाखूनों की सफाई। अब उसके बाद
कलाई की सफाई, आशा की आंगन आंगन लाएगी। इस कलाई की सफाई के बाद आप अच्छे तरह से आप लोग धुले, धुलने के बाद एक अच्छे साफ सुथरे तौलिए से हाथ पोंछ लें और फिर अपने हाथों को सभी को दिखाएं कि कितने स्वच्छ ये हाथ हैं। आप सभी लोग एक्टिंग करके लोग कर रहे हैं तो आप लोग अपने हाथ से एक्टिंग करके बताइए, अपने हाथ बच्चे लोग सभी लोग अपने हाथों को रख रहे हैं। नाखूनों की सफाई के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। धन्यवाद यह डेमो, क्योंकि आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको आपने डेमो देना। प्रदान कर हमारे कुलपति जी अतौ सम्मान क्रिकेट मान साहब के द्वारा। इसके बाद माननीय अग्रवाल साहब, देखिए हम सब के बीच बच्चों की तरह से हंसते मुस्कुराते बच्चों के इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से स्वागत माननीय कुलपति जी द्वारा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास जी के द्वारा और एक के रूप में शपथ लेता हूँ कि अपने हाथों को साफ सुथरा रखूँगा और व्यक्तिगत पारिवारिक संस्थागत और सामाजिक स्तर पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता को जन जन तक पहुंचाते हुए स्वच्छ एवं समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान करूंगा। धन्यवाद। विश्व हैंडवाश दिवस के दिन बच्चों को हाथ को स्वच्छ रखने के लिए कैसे अच्छी तरह से धुलें, ये धुलने का तरीका ताकि हाथ के सारे कीटाणु खत्म हो जाएं, खाना खाने के पहले, शौच के बाद और किसी भी ऐसी चीज़ को छूने के पहले जिससे हमारे पेट के भीतर में गंदगी जा सकती है, और ये बच्चे स्वच्छता सैनिक बने हैं, हाथ को स्वच्छ और देश को समृद्ध बनाने का संकल्प इन्होंने लिया है और फिर आगे जाके एक शिक्षक की भूमिका ही निभाएंगे, अन्य लोगों को भी शिक्षित करेंगे और सैनिक की भूमिका आप जानते हैं कि लड़ाई और गंदगी से लड़ने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। सर कितने हजार बच्चे? ये करीब 8,000 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं जिनको गोरखपुर शहर के एक सैंपल है, इसके बाद फिर तो विद्यालयों में जाके इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।